Your grandfather used to say ki my government, the Sena BJP government will run with a remote control in my hand. तो आप रिमोट कंट्रोल से नहीं, आप असेंबली में जाकर सरकार चलाना चाहते हैं, क्या हम ये समझ सकते हैं? अभी ये एक दो दिन में समझेगा, मैं अभी तो बेन स्टोक्स जैसे खेलने वाला हूं। टेक एवरी डिलीवरी एज इट्स कमिंग। ठीक है, ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि कहा जा रहा है कि आप शिवसेना को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट एक काइंड ऑफ अ फेसलिफ्ट आप शिवसेना को देने की कोशिश कर रहे हैं, जो शिवसेना की छवि है, जिस तरीके से शिवसेना चलती थी उसे आप थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस तरीके से बदलाव होगा, किस तरीके का बदलाव होगा, और आपके विजन में शिवसेना एज अ पार्टी जो जब शुरू हुई 1960 में तब एक नेटिविस्ट पार्टी थी, उसके बाद हिंदुत्व उन्होंने शुरू किया ताकि मराठी लोगों के बाहर भी लोग उनके साथ में जुड़े, और अब आप जो शुरू कर रहे हैं, कितना फर्क है वो शिवसेना में और ये शिवसेना में? मुझे लगता है अगर आप शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की पॉलिटिकल करियर देखो तो वन ऑफ हिज बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स वाज ही वाज रेलेवेंट टू हिज टाइम ऑलवेज। हर दशक में, हर 5 सालों में जो भी इश्यूज थे उनको लोगों की नस पता थी कि अभी क्या इश्यूज है। मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब हमारा 2011 में युवा सेना का आई थिंक फर्स्ट फाउंडेशन डे था, तब मैंने उनसे कहा था कि आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और हमारे युवाओं से बात कीजिए, युवा सेना से बात कीजिए। तब हमारी, मेरी खुद की एज वॉज 21, माई एवरेज एज ऑफ द युवा सेना वॉज अराउंड 22-23 विच स्टिल इज, एंड माई ग्रैंड फादर वॉज 80 years old बैक देन। And I was shocked to hear him, or rather surprised to hear him, that an 80-year-old person was speaking to 22-year-old kids, about Julian Assange, WikiLeaks, Facebook, social media, and the way he connected with them. Oh. I was very surprised. So हमारी ताकत यही रही है शिवसेना की, उसे बदल कहिए, उसे इवॉल्विंग कहिए, उसे चेंज कहिए, लेकिन मैं तो बाहर से नहीं आया हूँ, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ कि चलो ये PR है तो हमारा ये परसेप्शन चेंज करे। जो अंदरूनी एक विचारधारा होती है उसी से तो हम बनते हैं, आगे आते हैं, तो उसी को आगे लेके जाने के लिए जो रेलेवेंट है, जैसे आपने देखा होगा न्यू लेबर में कोर इश्यूज आर द सेम, बट व्हेन टोनी ब्लेयर गॉट इन न्यू लेबर ही वाज आल्सो वेरी रेलेवेंट टू हिज टाइम्स। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग विद द शिवसेना, एंड दैट हैज ऑलवेज हैपेंड विद द शिवसेना। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज रेलेवेंट टू दिस टाइम? बिकॉज़ आज की तारीख में लगता है कि देश मोदीमय हो गया है, जहां पर नरेंद्र मोदी जाते हैं उनकी भाषा लोग समझते हैं, इसीलिए बीजेपी देश में अलग अलग जगह पर आगे बढ़ी, खास करके महाराष्ट्र में भी जो बीजेपी का स्टेट कभी नहीं था लेकिन आज की तारीख में बीजेपी नंबर 1 की पार्टी है। तो आपके लिए क्या रिलेवेंस है आज की तारीख में जो आप शिवसेना के साथ? मुझे लगता है अभी लोगों की बात सुननी जरूरी है, और जो मैं जनाशीर्वाद यात्रा में कर रहा था, हर एक की एक एक अलग अलग इश्यूज होते हैं, कोई ब्लैंकेट इशू नहीं होता, और मेरी यही स्टाइल रही है, मेरी यही वर्किंग रही है कि लोगों के बीच जाओ और संवाद कीजिए, उनके साथ बातें कीजिए। हम टाउन हॉल कर रहे हैं, हर छोटे गांव में टाउन हॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, हर कॉलेज में कर रहे हैं, कि लोगों में जो आक्रोश है, लोगों में जो अपनी इच्छाएं होती है, टिप्पणी होती है, क्रिटिसिज्म होते हैं, वो सुन के लीजिए और उस पर आगे लेके जाओ, क्योंकि खुद को इम्प्रूव किया तो फिर स्टेट इम्प्रूव हो जाती है। तो मुझे लगता है हम एक मीडियम है एज अ पोलिटिकल पार्टी, वी आर द वॉइस ऑफ द पीपल, फाइनली वॉट एवर द पीपल हैव टू से इज बींग सेट बाई यू, एंड इफ यू कैन मिरर देम, that is when they find their reflection in you. But are you trying to wipe out Shiv Sena's image like a party of hooligans, party jo street fight karti hai, jo patharbazi karti hai, Mumbai band karati hai, kya ye image se aap hatna chahte hain Shiv Sena ki? Mujhe lagta hai jab murti banti hai tab aapko hammer and chisel use karni padti hai. Murti banne ke baad agar aap hammer and chisel use karo to murti toot jayegi. Uske baad murti ki pooja karni zaruri hoti hai. Matlab wo aapke liye ab guzra zamana hai, abhi aap kisi bhi tarike se सड़क पे उतर के हम नहीं देखेंगे कि शिवसैनिक कुछ तोड़फोड़ कर रहे हैं, कांच फोड़ रहे हैं, या जिसको शिवसेना स्टाइल कहते हैं, उस मूर्ति तो बन गई। और ये एक अच्छी चीज है कि आप समझ रहे हो कि परसेप्शन बदल रहा है, क्योंकि हम भी नजदीक आ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, और अभी तक आप परसेप्शन बदलना चाहते हैं? नहीं, परसेप्शन बदलना नहीं चाहते, ये तो नेचुरली बदल गया है, क्योंकि मीडिया भी हमारे करीब आ गए। एक बार ऐसे था कि हम आइसोलेशन में थे, तो ये परसेप्शन हर एक का बदलते जाता है। मीडिया को पीटते थे, मीडिया आपके साथ कैसे आएगी? नहीं, बट आप भी तो हमें पीटते थे।